हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर मौर्यन एम्पायर विद गुप्ता एम्पायर। जहां तक आप जानते हैं कि हमारा जो रेगुलर क्लास चल रहा था उसमें हमने गुप्ता एम्पायर को भी खत्म कर लिया है, यानी हम मौर्यंस को भी पढ़ चुके हैं और गुप्ता को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा अब एक ही टॉपिक बचता है आगे, हर्षवर्धन का, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया का, बेसिकली जो एंशियंट हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था साउथ इंडिया का दो चार टॉपिक रहता है, वो हम साथ साथ करते रहेंगे, वो साथ साथ वो भी करेंगे और साथ साथ हम मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत भी कर देंगे। तो वैसे तो गुप्ता पीरियड के बाद हमें अगर सीक्वेंस में देखें तो शुरुआत कर देनी चाहिए थी हर्षवर्धन की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं तो एक बार एक वीडियो कंपैरिजन पर भी हो जाना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। तो आइए कंपेयर करते हैं। यहां पर देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम टाइम का कंपेयर करें, टाइम पीरियड का, तो लगभग आप एग्जैक्ट, मैंने कहा कि एग्जैक्ट कभी मत लीजिएगा, तो मौर्यन का जो टाइम है, मौर्यन पीरियड का, वो 322-185 BC तक का है। ठीक है, 322 से 185 ईसा पूर्व तक का है, जबकि गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हैं 300 to 550 AD तक का है। ठीक है, 300 to 550 AD तक का, यानी अब हम यहां देखिए, यहां हम BC में चल रहे थे, यहां पर हम आ गए किसमें, AD में, या आप इसको BCE भी कह सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और इसको CE कह सकते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, तो जो भी है, तो यहां पर ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको मिलेगा, लगभग ये टाइम पीरियड है। ठीक है, देखिए जहां तक मौर्यंस और गुप्ता की बात है, मैंने पहले ही सबसे ऊपर इसलिए लिख दिया है कि आप जब भी मौर्यंस को और गुप्ता को कंसीडर करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें यहां जो प्रमुखता दिखेगी, यहां उपाधियों की प्रमुखता दिखेगी और कॉइन्स की प्रमुखता दिखेगी, खासकर गोल्ड कॉइन्स की। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि हर शासक ने बड़े बड़े टाइटल उपाधियां ली, या खुद ली या किसी के द्वारा दिया, उसको दिया गया। जैसे समुद्रगुप्त था, उसको विंसेंट स्मिथ ने दे दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा तमाम तरह के इन्होंने टाइटल लिए हैं, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, टाइटल्स पे, तो यहां पर प्रमुखता आपको टाइटल्स भी दिखेगा और क्वाइंस का भी दिखेगा, गोल्ड क्वाइंस का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक अंतर है। ठीक है ना, ये बेसिक अंतर है, इसमें टाइटल उतना नहीं मिलेगा। अशोक ने एक देवना पिया का लिया था, देवना पिया कहता था अपने आप को, या प्रियदर्शी कहता था, तो ये अशोक में ही दिखेगा। लेकिन यहां हर शासक के पास टाइटल होगा, तमाम तरह के, बहुत अधिकता होगी टाइटल्स की, उपाधियों की, और क्वाइंस के लिए तो ये जाना ही जाता है। सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइंस इशू किए गए गुप्ता के पीरियड में, गुप्त शासकों ने इशू किए, और ये भी नियमित सिक्के थे। इस समय आपको नियमित सिक्के नहीं थे, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पे प्रमुखता क्या होगा और यहां पे प्रमुखता क्या होगा। तो देखिए, अब यहां पर हमने देख लिया टाइम पीरियड का अंतर देख लिया। यहां पर मैंने देखिए फिगर भी बना दिया है आपको, जो विस्तार है मौर्यंस का और जो विस्तार है गुप्तों का, वो सीधा सीधा दिख जाएगा, तो इससे आप कंपेयर कर लेंगे। देखिए, ये अखिल भारतीय साम्राज्य था, ऑल इंडिया एम्पायर, और ऑल इंडिया एम्पायर क्या कहें, आपको हिंदू पुस्तक जा रहा था, कई जगह तो आप देखेंगे इंफॉर्मेशन कि वो ईरान की सीमा को भी छू रहा था, हिंदू कुछ तो छू ही रहा था नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, सिर्फ अगर आप देखें तो मौर्यंस का ये दक्षिण भारत को छोड़ दे, नीचे एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दे, हाँ, और थोड़ा एक्सट्रीम ईस्ट को छोड़ दे, तो पूरा भारत, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान उस समय तो भारत ही था, और ये अफगानिस्तान, पूरा हिंदू कुश रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट में ये ले रहा है। तो इसको ऑल इंडिया एम्पायर कहा जाएगा। पहली बार एम्पायर का यानी साम्राज्य का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कौन, मौर्यंस। और इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर, मैंने पहले भी बताया है रेगुलर क्लासेस में कि इतना बड़ा एम्पायर ना इनसे पहले किसी का था ना बाद में किसी का हुआ, मुगलों का था लेकिन उनका भी इतना बड़ा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इनका देख लीजिए, हाँ इनका भी ठीक है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, ये पाकिस्तान तक ही जाके सिमट गए, या अफगानिस्तान में नहीं आता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर कभी रैंडम ये अगर चले गए हो कहीं तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये इनका
एक तरह का एक्सपेंशन है। तो इससे आपको एक्सपेंशन पता चल रहा है दोनों का कि कितना डिफरेंस है, भारी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका था। ठीक है ना, आपको दिखाई भी दे रहा है ये इंडिया पाकिस्तान बहुत वास्ट एम्पायर था। ठीक है ना, और इसका देखिए मैंने लिख दिया है कंपैरेटिवली स्मॉलर है, आपको दिखाई दे रहा है इसके कंपैरेटिवली स्मॉलर है। एक चीज और जान लीजिए, अगर आपको और कुछ लिखना हो या जो भी हो अगर लिखने के क्रम में, तो आप लिखने के क्रम में अंतर में ये भी दिखा सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त, हालांकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहां तक हमने देख लिया। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, हाईली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा केंद्रीयकृत, यानी कि राजा के हाथों में पूरी की पूरी शक्ति है। ठीक है, इवन प्रोविंसेस में भी किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्ट राजा करेगा, वहां का पूरा कंट्रोल है, सारा रिपोर्ट राजा ले रहा है वहां से। ठीक है, एम्पायर ले रहा है, तो ये हाईली सेंट्रलाइज्ड है। यहां पर देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इवन आप देखेंगे कि जिला होता था तो जो प्रोविंस का जो हेड होता था उसको बोलते थे, जैसे कि कहते थे कि यहां पर पूरा साम्राज्य है और साम्राज्य को डिवाइड कर दिया गया भुक्ति में, हाँ, जिसको उपरिक देखता था या गोप्ता कहते थे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होता था जिसको विषय कहा जाता था, जिला। तो जिला में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो जो प्रोविंस का हेड है वही कर देता है, उससे लिए राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए भी आपको दिखेगा कि यहां पर आगे हम चर्चा करेंगे फ्यूडल सिस्टम का, कि देखिए यहां पर सामंतवादी प्रथा जो है वो शुरू हो गई थी। भूमिदान की प्रक्रिया गुप्त पीरियड में यहां शुरू हो गई है। ठीक है, भूमिदान से मतलब है ब्राह्मणों को लैंड दान दे दिया, लैंड दे दिया जाता है। ठीक है, दान कर दिया जाता है। उसके अलावा जब सैलरी जीत दी जाती है डिफरेंट ऑफिशियल्स को, तो वहां पर लैंड कैश की जगह लैंड दे दिया जाता है। यहां पर तो कैश सैलरी ज्यादा था ना मौर्य के समय, आप लिख सकते हैं एक डिफरेंस जो है सैलरी यहां पर ऑफिशियल्स को कैश में दिया जाता था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर लैंड दे दिया जाता था। लैंड देने से क्या होता था कि उस लैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया लैंड होल्डर के पास, वो एक तरह से लैंड लॉर्ड हो गया, वहां रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, यानी टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। धीरे धीरे उनको वहां पर क्या हो गया कि उनको जुडिशियल राइट भी मिल गया, यानी कि न्याय देने का अधिकार भी मिल गया। तो एक तरह से कहा जाए तो जो भी लैंड उनको मिला, तो एक तरह, और राजा ने कहा कि भाई तुम वहां सारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हाँ सिर्फ थोड़ा बहुत टैक्स जो लगे हमको दे देना। ठीक है, तो एक तरह से वहां राजा ने अपना कंट्रोल हटा लिया है डायरेक्ट, एम्पायर ने अपना कंट्रोल हटा लिया है, और सामंत धीरे धीरे जो है वो उभरने लगे हैं छोटे शासक के रूप में। तो इसलिए यहां डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने, वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन दिखेगा और सामंतवादी प्रथा की वजह से, फ्यूडल सिस्टम की वजह से भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन दिखेगा। आपको डिसेंट्रलाइजेशन वहां भी दिख रहा है समुद्रगुप्त की नीतियों में। समुद्रगुप्त जो सबसे महान, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये तो बहुत बड़े शासक हुए गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, गुप्त अंपायर के। तो समुद्रगुप्त की नीतियां भी अगर वार पॉलिसी देखेंगे तो आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने जब लड़ाइयां लड़ी पांच फेज में, मैंने बताया भी था रेगुलर क्लास में समुद्रगुप्त को पढ़ाते समय, तो वहां पे मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त ने जब आर्यावर्त के राज्यों को जीता तो उसको तो डायरेक्ट मिला लिया, कंट्रोल कर लिया, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। लेकिन समुद्रगुप्त जब पड़ोसी राज्यों को से उसकी लड़ाई होती है, तो पड़ोसी राज्यों को देखेंगे से नेपाल हो गया, आसाम हो गया, उसको उस समय कामरूप कहते थे, बंगाल हो गया, नेपाल वाले हिमालय वाला क्षेत्र नेपाल हो गया यहां पर, उसके अलावा पंजाब का एक कृतपुर था, वो सब ये पड़ोसी राज्य कहे जाते थे। नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट के राज्य ज्यादा थे, उसमें स्टेट ज्यादा थे। तो इनके खिलाफ इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जीता और फिर छोड़ दिया, जीता और छोड़ दिया उनको कंट्रोल, बोला कि भाई इसमें उसने कहा कि आप डायरेक्ट वो करो, इनको कहा गया सर्व करदान प्रणामानुगमन। ठीक है, सर्व करदान प्रणामानुगमन, सर्व करदान और आज्ञानुकरण, ये पॉलिसी अपनाई कि आज्ञा मानो,
समय समय पर विजिट करते रहो, आके प्रणाम कर दो हमको, सलाम कर दो, और टैक्स समय समय पर देते रहो। उसने जीता और छोड़ दिया डायरेक्ट कि जाओ भैया तुम करो। इसी तरह की नीति उसको उसने अपनाई दक्षिण के राज्यों के प्रति, ठीक है। मोक्षानुग्रह कहा गया, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मतलब जीत लिया आपको दक्षिण के राज्यों के लिए। कुछ राज्य जो दक्षिण में कहते हैं, तो वहां पर वो जब जाता है तो दक्षिण में वो कहता है कि भाई ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण का मतलब जीत लिया, मोक्ष का मतलब फ्री कर दिया, और अनुग्रह का मतलब अनुग्रह पे। तो उनको भी छोड़ दिया उसने, कहा कि भाई जाओ बस तुम समय पर टैक्स दे दो मुझे। उसके बाद अगर आप फॉरेन शासकों को देखे, कुषाण शक मुरुंड, इनको इसके लिए समुद्रगुप्त की नीति दूसरी थी। उसने कहा कि भाई उसके उसके लिए क्या नीति थी, उस विदेशी शासकों के लिए या विदेशी राज्यों के लिए, शकों के लिए, मुरुंड के लिए, कुषाणों के लिए। तो उसने कहा भाई कि गरुत मंदक कन्योपाय आत्मनिवेदन, इतना आप कर लीजिए, अपना राज्य ले जाइए, मतलब रिक्वेस्ट कर लीजिए हमसे, फिर अपने कन्या का, अपनी पुत्री का, बेटी का शादी कर दीजिए हमारे यहां, ठीक है, गुप्त खानदान में, गुप्त एम्पायर में, और फिर आप गरुड़ से लगा हुआ चार्टर ले जाइए कि आप वहां के शासक हैं, ठीक है। तो ये सब समुद्रगुप्त की नीतियां थी कि उसने ज्यादा कंट्रोल नहीं किया, जीतने के बाद भी उसने छोड़ दिया ज्यादातर मौकों पर, वो हम डिटेल पढ़ चुके हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो वहां से भी अब वो राजा जो है उसको बस समय पे आके उसको एक हाजिरी लगा देनी है, थोड़ा बहुत टैक्स दे देना है, लेकिन वो अपने राज्य में उसका जो सेंटर से गुप्त शासकों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना वहां पे कोई अपॉइंटमेंट करना है, सब खुद अपना देख रहे हैं, यानी जीता भी और फ्री भी कर दिया थोड़े बहुत कॉस्ट पे, ठीक है। तो एक तरह से कई की जिम्मेदारियों से भागना हुआ, उन्होंने छोड़ दिया भाई जाइए आप देखिए। तो ये भी इस प्रथा ने भी कहते हैं कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की नीतियों में भी आपको सामंत वादी प्रथा या फ्यूडल सिस्टम का कहीं ना कहीं बीज था, और उन सब चीजों ने भी ये डिसेंट्रलाइजेशन को जन्म दिया आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाईली डिसेंट्रलाइज है और यहां डिसेंट्रलाइज है, फ्यूडल सिस्टम यहां पर नहीं है, यही फ्यूडल सिस्टम, यानी फ्यूडल का मतलब हिंदी में भी लिख लीजिए सामंती प्रथा, ठीक है। ये सामंती प्रथा, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, सामंती प्रथा यहां पर नहीं है, जबकि यहां पर क्यों, भूमिदान लैंड देने के कारण यहां पर सामंती, यहां हमने करेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब कि सामंती प्रथा यहां पर है, ठीक है ना। फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती प्रथा है, सामंती प्रथा मैंने बता दिया, लैंड जब दिया जाता था, जिसको भी लैंड दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, सैलरी के बदले, वेतन के बदले लैंड देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए यहां पे आप डिफरेंस कर सकते हैं, फ्यूडल सिस्टम नहीं है तो यानी कि कैश में सैलरी जा रही है, सबको कैश में सैलरी जा रही है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर जो सैलरी थी मुख्य रूप से कैश में ही थी। अगर लोगों की सैलरी अगर देखा जाए, चूंकि यहां फ्यूडल सिस्टम नहीं है, हाईली सेंट्रलाइज है, तो यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि यहां पर आप लिख लीजिएगा, यहां पर जो मैं लिख देता हूं, तो मौर्यंस के समय मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यहां पर सैलरी जो है, ठीक है, आप नंबर बढ़ा लीजिएगा, यहां पर सैलरी यहां कैश में जाता था, सैलरी यानी वेतन कैश होता था अधिकारियों का, ठीक है, लेकिन यहां फ्यूडल सिस्टम की वजह से यहां पे जो सैलरी होगा, ठीक है, सैलरी जो यहां पे होगा गुप्तों के समय, यहां पे मैं लिख देता हूं सैलरी लैंड ज्यादा होता था, लैंड इसलिए दे दिया जाता था कि भाई जाइए लैंड से आप कमाइए, थोड़ा बहुत हमको दे दीजिए, और जो आपका वहां से रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वही आपकी सैलरी होगी, ठीक है, वही आपकी सैलरी होगी। तो इसलिए यहां पे सैलरी लैंड के रूप में है, यहां पर सैलरी कैश के रूप में है, आप यहां पर नंबर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर चूंकि फ्यूडल सिस्टम की वजह से मैंने समझाया, जमीन है तो वहां पर पहले आपको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिला, फिर वहीं पर उसी जमीन पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिल गया, आप उसके शासक भी हो गए, आप वहां पे जो भी डिसीजन लेना होगा लेंगे, और बाद में वहां के लोगों के लिए आप न्याय भी करेंगे, तो एक तरह से आप छोटे राजा वहां के हो गए। तो इसने सामंतवादी प्रथा को जन्म दिया, इसी को सामंती प्रथा कहते हैं, जिसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड से हो गई भूमिदान की वजह से, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको यहां पर देखिए, यहां पर जो रिलीजन है
नॉन हिंदू रिलीजन ज्यादा, ये नहीं कि हिंदू रिलीजन नहीं है, वैदिक धर्म को भी फॉलो करने वाले इस समय लोग हैं, क्योंकि जो मौर्यंस थे वो बहुत ही सहिष्णु थे, ये भी सहिष्णु है, ऐसा नहीं है। समानता अगर देखें तो दोनों किसी भी धर्म के प्रति सहिष्णु है, लेकिन डोमिनेंस किसका है, यहां नॉन हिंदू रिलीजन जो है ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, हाँ, जो फाउंडर थे, हाँ, मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था, आपको पता है ये श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं पे संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्यागी थी, मैंने बताया था। हाँ, आजीवक संप्रदाय के इनके बेटे बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो अशोका ने कलिंग वार के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहां पर डोमिनेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म नहीं है, वैदिक धर्म भी है, लेकिन डोमिनेंस आप कह सकते हैं कि नॉन हिंदू रिलीजन का है, ठीक है। तो ये आप यहां देख सकते हैं, यहां पर भी ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैन मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन अब यहां पर हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर गुप्ता शासक जो है, गुप्त शासक, वो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं। हाँ, वो वैष्णव धर्म को मानते हैं, वो शैव धर्म को मानते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की परिकल्पना आ जाती है, ठीक है। ज्यादातर गुप्त शासक, इन्होंने टाइटल भी लिया है परम भागवत, आगे हम चर्चा करेंगे परम भागवत। तो भागवत कहते हैं किसको, भागवत कहते हैं विष्णु, ठीक है। तो भागवतिज्म या वैष्णविज्म एंड शैविज्म, इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है यहां पर, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश की परिकल्पना आती है एक ही मृत्यु में। महेश का मतलब होता है शिव, ठीक है, महेश का मतलब होगा शिव, ठीक, शिव। इसी तरह आपको यहीं पे आप लिख सकते हैं अर्धनारीश्वर की भी, क्योंकि यहां पर जो आप देखेंगे रिलीजन में लोग यज्ञ की तरफ से यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, कहां पे, पहले यज्ञ होता था, हाँ, यहां जो मौर्यों के समय पे ये सब नहीं होता था, ठीक है। जैन है, आजीवक है और बुद्धिज्म है ज्यादा, जो लोग थोड़े बहुत वैदिक धर्म को फॉलो करते होंगे यहां पर, तो यज्ञ में बिलीव करते थे, कर्म कांड में। तो अब शिफ्ट हो रहा है मूर्ति पूजा की तरफ, तो मूर्तियां बनने लगेंगी ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठीक है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या है भाई, शिव और पार्वती की ज्वाइंट मूर्ति बनाई गई है, इमेज बनाई गई है, आप आइडल कह सकते हैं, यानी कि यहां पर आइडल वर्शिप भी शुरू हो जाएगी अगर रिलीजन में देखेंगे तो। हिंदुइज्म का प्रभाव यहां पे बढ़ रहा है, वैष्णव ऐसा नहीं है, वैदिक धर्म भी हिंदू धर्म भी है, लेकिन उसमें परिवर्तन आएगा क्या, कि यज्ञ की तरफ से यजना जो लोग कर रहे हैं अब शिफ्टिंग हो जाएगी मूर्ति पूजा में, ठीक है। तो यहां पर अर्धनारीश्वर भी मैंने बता दी, हरिहर की भी एक मूर्ति बनी जिसमें एक तरफ शिव एक तरफ विष्णु है एक ही मूर्ति में। तो ये सब मैंने बताया हुआ है डिटेल जब जहां मैंने रिलीजन की बात की है गुप्ता पीरियड में। तो यहां पर आप देखेंगे कि वैष्णव शैव, और ये भी नहीं है, मैंने कहा कि जैसे ये लोग धर्म के प्रति, हर धर्म के प्रति सहिष्णु है, टॉलरेंट है, वैसी स्थिति यहां भी है, ये स्टॉन्च नहीं है, सारे धर्मों का आदर है। हाँ, ये जरूर है कि इनका डोमिनेंस है, जैसे कि आप आगे देखेंगे ज्यादातर गुप्त शासक जो है वो क्या है, वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जैसे कुमारगुप्त का झुकाव, हाँ, कुमारगुप्त प्रथम का, स्कंदगुप्त के पहले, उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा था, ठीक है, बौद्ध मठों को दान करता था, कहा गया कि कुमारगुप्त की नीतियां भी बाद में गुप्ता डायनेस्टी के डाउनफॉल का एक कारण बनी, क्योंकि वो मठों को और बौद्ध मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को उसने डोनेट करना शुरू कर दिया था, खजाना खाली होने लगा था, ये मैंने बताया है डाउनफॉल में, ठीक है। तो उसने कुमारगुप्त के समय ही महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिलता है, हाँ, प्रश्रय का मतलब वो सपोर्ट करता है, हालांकि गुप्ता पीरियड में जैन बौद्ध धर्म को संरक्षण उतना नहीं मिला है, ठीक है, बुद्धिज्म को उतना संरक्षण नहीं है, कुमारगुप्त ने के समय, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है, और जो कि जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ कहा जाता है महायान बुद्धिज्म, हाँ, चिकित्सा शास्त्र वहां पे अनिवार्य था, तो वो सब हमने बता दिया था डिटेल में। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, सभी धर्म के लोग उस समय भी रहते थे, लेकिन डोमिनेंस है, तो ये एक बेसिक अंतर आपको दिखाई देगा। हाँ, सहिष्णु सभी लोग है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर टाइटल की बात, मैंने एक चीज बताया था कि प्रमुखता गुप्ता पीरियड में टाइटल की है और कॉइंस की है, ध्यान दीजिएगा। यहां सिर्फ आप अशोक में देखिएगा, अशोक ने एक उपाधि ली थी, हाँ, देवना पिया कहता था खुद को, यानी वो खुद को डियर टू गॉड कहता था, डियर टू गॉड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपने कर लिया ना, जैन आजीवक बुद्धिज्म,
यहाँ पे सामंती प्रथा ध्यान दीजिएगा, फ्यूडल सिस्टम, वैष्णव शैव, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ अर्धनारीश्वर भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जिसमें शिव और पार्वती की ज्वाइंट इमेज बनती है, मूर्ति बनती है, ठीक है। उसके बाद हरिहर की मूर्ति भी बनने लगी थी, जिसमें कि शिव और विष्णु की मूर्ति बनती थी एक साथ, आधा में शिव और आधा में हाफ शिव और हाफ विष्णु, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ। यहां उपाधियों की बात करें तो अशोक डियर टू गॉड कहता था अपने आप को, देखिए डियर टू गॉड यानी कि देवताओं का प्यारा ये कहता था खुद को, देवना पिया, प्रियदर्शी ये भी कहता था, तो ये डियर टू गॉड। लेकिन यहां पर देखेंगे तो एम्पेरर ऑफ टाइटल, मैंने कहा कि ये प्रमुखता है यहां पर गुप्ता पीरियड में टाइटल की, चाहे वो दिया गया किसी से या उन्होंने खुद धारण किया। जैसे मैंने बताया समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी उसने उसके कई टाइटल थे। हाँ उसके अलावा आप देखेंगे तो दूसरा समुद्रगुप्त महान शासक था, दूसरा महान शासक अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड को देखें तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते थे उसको, हाँ उसने शकारी की उपाधि ली, ठीक है। उसके अलावा कुमारगुप्त को आगे जाके देखेंगे तो उनको कहा गया महेंद्रदित्य, ठीक है, कुमारदित्य महेंद्रदित्य इन सब की उपाधि उसने ली। उसके बाद आप स्कंदगुप्त को देखेंगे तो स्कंदगुप्त के समय आप देखेंगे कि उसने शक्रोपम शक्रादित्य इन सब की टाइटल। उसके अलावा सारे गुप्त शासकों में आप देखेंगे लगभग सारों में परम भागवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, यहां जो मेन था मैंने लिखा है, बाकी तो मैंने बता दिया वहां पे कि ये टाइटल था किसी के द्वारा, जैसे कि विंसेंट स्मिथ ने दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, लेकिन यहां पर परम भागवत, परमेश्वर, महाराजा धीराज भी वो लोग लेते थे, ठीक है, महाराजा धीराज, परम भट्टारक। मैंने ये दो इसलिए लिखा है कि यहां पर आप डिस्टिंग्विश कर सके डियर टू गॉड, हाँ, और परम भागवत परमेश्वर। अब देखिए दोनों चीजें हैं, ये कहता है देवताओं का प्यारा, ये कहते हैं परम भागवत परमेश्वर, परम भागवत, भागवत का मतलब विष्णु होता है, तो दो चीजें हैं यहां पर। हाँ एक तो और भी टाइटल थे जैसे कि महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज इस तरह का टाइटल था, तो महाराजा धीराज का मतलब छोटे छोटे शासक भी हैं, सामंत क्या है, छोटे शासक होंगे और भी शासक होंगे जो हम कह सकते हैं कि जूनियर शासक एक तरह से, जूनियर रूलर्स, हाँ उनके अंडर में, तो वो कहे गए महाराजा धीराज, जो मेन शासक है सेंटर में महाराजा धीराज कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन परम भागवत और परमेश्वर का मतलब ये है कि यहां पर तुलना कर रहे हैं अपने आप को, ये देवताओं के समान रख रहे हैं, इक्वल टू द गॉड। यहां अशोक इक्वल टू द गॉड नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं डियर टू गॉड, हम देवताओं के प्यारे हैं, ये कह रहे हैं हम देवताओं के बराबर हैं, ठीक है ना, ये बड़ी बात है। ये अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और जनता में अपने विश्वास के लिए, कि जनता का विश्वास है कि देवता के समान है, तो इसका जो जनता का है, प्रजा का है, जो विश्वास होगा इनमें, ठीक है, इस वजह से ऐसा ये लोग करते थे। तो अगर आप टोटल तुलना करें, हम अगर यहां तो हम मौर्यों के गुप्तों की तुलना कर रहे हैं, तो मैं जब रेगुलर क्लास दे रहा था वहां भी मैंने बताया था कि अगर आप देखें तो शक जब भारत में आए, शक आए थे भारत में, इंडो ग्रीक आए, शक आए, सिथियंस आए, कुषाण आए, तो शकों ने अपने आप को कहा किंग ऑफ किंग्स, हाँ अपने आप को उनकी उपाधि होती थी किंग ऑफ किंग्स। कुषाण शासक जो थे वो कहते थे अपने आप को देवपुत्र, जैसे कनिष्क था, हाँ सन ऑफ गॉड, देखिए अंतर, सन ऑफ गॉड, वो कहते थे किंग ऑफ किंग्स, हाँ राजाओं का राजा, यानी कि किंग ऑफ किंग्स का राजाओं का राजा मतलब महाराजा धीराज, यानी छोटे छोटे शासक भी उनके भीतर है, उनके अंडर में है, ठीक है, जो शक थे वो कहते थे, कुषाण कहते थे देवपुत्र, खासकर कनिष्क, सन ऑफ गॉड यानी कि देवताओं का वो पुत्र है। अब मौर्यंस में आएंगे तो देखेंगे तो अशोक कहता है डियर टू गॉड, ठीक है, और ये कहते हैं इक्वल टू गॉड, परम भागवत परमेश्वर। तो इस तरह से हम कभी एक टाइटल पे भी हम कर लेंगे और अलग से वीडियो कर लेंगे, वो मिसलेनियस वाले पार्ट में, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बताया हुआ है लेकिन एक जगह कभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इक्वल टू गॉड, और मैंने लिखा है उपाधियों की प्रमुखता है यहां पर। यहां पर उपाधि तो देवना पिया या प्रियदस्ती, प्रियदस्ती ये सब अशोक ने लिया है, लेकिन ये सिर्फ अशोक तक सीमित था, ठीक है। यहां पर प्रमुखता है उपाधियों की, मैंने कहा बेसिक डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, परम भागवत परमेश्वर का मतलब क्या है, हम परमेश्वर का मतलब गॉड है, परमेश्वर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो
लॉ है, ठीक है, लॉ मतलब दंड विधान, पनिशमेंट जो दिया जाता है, पेनल कोड जिसको कह सकते हैं, ठीक है। उस समय जुडिशियरी जो था किस तरह का था, तो वहां पे जुडिशियरी देखेंगे तो बहुत ज्यादा देखेंगे अत्यंत कठोर, ठीक है ना, एक्सट्रीमली सीवियर सजा दी जाती थी। यहां तक कि आपको कहते हैं कि अंग भंग और मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस, म्यूटिलेशन, अंग भंग, कोई अंग काट देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, कान काट लेना, इस तरह की चीजें होती थी। और सिर्फ टैक्स नहीं देने पे, टैक्स सिस्टम बहुत यहां पर स्ट्रिक्ट था। आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर देखिए, लिख सकते हैं यहां पर कि यहां पर टैक्स जो था, सॉरी कई अंतर है, आप कर सकते हैं यहां पर पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। एक तो ये बात हो गई, यहां पर टैक्स जो है वो स्ट्रिक्ट है, टैक्स सिस्टम जो है यहां पर लिबरल है, टैक्स जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं, देखिए टैक्स जो यहां पे होगा यहां पर लिबरल है टैक्स के मामले में, ठीक है। यहां पर तो टैक्स नहीं देने पर डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्यु दंड। यहां पे देशद्रोह के मामले में भी यहां दंड विधान सरल है, सिंपल है, यहां पे लिबरल है जो गुप्ता शासक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात की देखिए, मैंने क्रॉस किया हुआ है, मृत्यु दंड यहां है ही नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं है। हाँ, कहते हैं कि देशद्रोह के मामले में भी, वो भी रिपीटेडली किया जाता था तो हाथ काट लिया गया, इतना तक हो गया। यहां तो डेथ सेंटेंस में, तो आज भी अगर देशद्रोह का मामला अगर साबित हो जाता है आज के समय में भी तो मृत्यु दंड है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए दंड विधान जो है कितना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहां पर स्टैंडिंग आर्मी है, मौर्यों की एक अपनी सेना है, मौर्यों की अपनी सेना, स्थाई सेना है, डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, मैंने कहा हाईली सेंट्रलाइज्ड है, राजा के कंट्रोल में है। लेकिन यहां पे और इनको सैलरी भी कैश दिया जाएगा, देखिए सैलरी कैश है, कर्मचारियों को तो दिया जाएगा और आर्मी को भी कैश दिया जाएगा, नगद सैलरी दिया जाएगा, जमीन देने की प्रथा उस समय नहीं थी, ठीक है, ना ही फ्यूडल सिस्टम था, मैंने कहा। यहां पर देखिए आर्मी जो है, चूंकि फ्यूडल सिस्टम है, सामंती व्यवस्था है, ये सामंत अपनी सेना भी रखते थे, समझ लिए, मैंने बताया जमीन मिला किसी को, लैंड मिला, वहां का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिल गया, फाइनली उनको जुडिशियल राइट मिल गया। अब क्या हो गया, वहां का एक छोटा राजा, छोटा हाँ एम्पायर हो गया वो, ठीक है। अब एम्पायर हो गया तो एक तरह वो अपना सेना रख रहा है, अब सेंटर में अगर राजा को जरूरत पड़ रही है तो वो आर्मी भी, सोल्जर भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, सोल्जर भी सप्लाई कर रहा है। तो देखिए डिपेंडेंट थी आर्मी किस पे, फ्यूडेटरीज पे, सामंतों पे, फ्यूडेटरीज पे यानी सामंतों पे, सामंतों पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर डिपेंडेंट नहीं है, राजा की अपनी सेना है, स्थाई है, स्टैंडिंग है, यहां पे स्टैंडिंग नहीं है, डिपेंडेंट है किस पे, फ्यूडेटरीज पे, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे सैलरी कैसा है, यहां पे सैलरी कैश मिलेगा, सॉरी यहां पे लैंड मिलेगा, तभी तो सामंती प्रथा यहां पे लैंड दे दिया गया, ठीक है। राजा जो है फ्यूडेटरीज पे, लड़ाई होती है तो सप्लाई करते हैं उनको। एक चीज और था यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो युद्ध की नीति थी मौर्यों के समय, जो एलिफेंट आर्मी है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि जो घुड़सवार थे, हाँ, या कैवलरी था, कैवलरी मतलब अश्वरोही सेना वो था, वो नहीं थे, हाँ वो भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा था। यहां पर आपको हॉर्स चैरियट यानी कि रथ सेना भी थी, जिसको घोड़े चलाते थे, हॉर्स चैरियट। यहां पे आप देखेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल वाले में, यहां की जो आर्मी है इसमें आपको इंपॉर्टेंस होगा किसका, कैवलरी का, यहां एलिफेंट का। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह है यहां पे, देखिए इस आर्मी में इंपॉर्टेंस आपको एलिफेंट का होगा, यहां पे इंपॉर्टेंस जो होगा एलिफेंट का, ठीक है, यानी कि गज सेना का। ऐसा नहीं कि कैवलरी नहीं है, घुड़सवार नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस इनका होगा। यहां पे जो है, यहां पे कैवलरी का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, यहां पे
मैं ऐसे लिख देता हूं इस आदमी में, देखिए यहां पे कर देता हूं स्पेस, इधर नहीं था। कैबलरी, कैबलरी यानी कि घुड़सवार। और अश्वरोही सेना का इंपॉर्टेंस यहां पे बढ़ गया था। यहां पे हॉर्स चैरियट था, ठीक है हॉर्स, लेकिन यहां पे हॉर्स चैरियट नहीं मिलेगा, यानी कि रथ सेना यहां पे नहीं मिलेगी। यहां पे कैवलरी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा रथ सेना की बजाय। और यहां पर मिलिट्री टैक्टिक्स में यहां पर देखेंगे तो कहते हैं कि आर्करी, ये जो कैवलरी आर्करी जो होती थी ना उसका प्रचलन बढ़ा था लड़ाई में। घुड़सवार क्या करते थे, तीरंदाजी करते थे, तो यहां पर यह नहीं था, यहां पर तीरंदाजी आर्करी बढ़ जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, हर चीज लिखा नहीं जा सकता क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, उतना डिटेल तो जा नहीं सकते, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर ह्यूज ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हमने आपको पढ़ाया था मौर्यंस में, तो आप देख सकते हैं ह्यूज ब्यूरोक्रेसी का मतलब। हमने 18 तीर्थों की बात की थी, 18 तीर्थ और 27 सुपरिटेंडेंट्स, 18 तीर्थ एंड 27 सुपरिटेंडेंट्स, ये उनके ब्यूरोक्रेसी में थे, नौकरशाही में थे, तो बहुत बड़ा था ये, ठीक है। लेकिन यहां पे ब्यूरोक्रेसी बहुत सिंपल है, हाँ ऐसा नहीं बहुत इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी छोटा साम्राज्य है और हाईली सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे ब्यूरोक्रेसी वैसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एस्पियोनेज यहां पे बहुत तगड़ा था, ठीक है, संस्था और संचरण, हाँ संचरण कहते थे, संस्था और संचरण दो तरह के होते थे, जो जासूस होते थे गुप्तचर होते थे, तो गुप्तचर जो है यहां पर संस्था और इसको संचरा या कहीं कहीं संचरण लिखा हुआ मिलेगा। तो संस्था का मतलब ये होता था कि ये स्टेशनरी होते थे, एक ही जगह पे काम करते थे, हाँ ये जो जासूस होते थे, लेकिन संचरा के जो जासूस होंगे ये मोबाइल होंगे, ये मूव करेंगे प्लेस टू प्लेस, हाँ दे विल मूव प्लेस टू प्लेस एंड डू देयर ड्यूटी। तो इस तरह की चीजें यहां पर होती थी गुप्तचर व्यवस्था में। तो यह ध्यान दीजिएगा कि स्पियोनेज सिस्टम यहां का बहुत जबरदस्त था, ठीक है। और यह भी कहा गया कि भाई जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर अशोक थे, कहा जाता था कि बिल्कुल इनको अलाउड था किसी भी समय गुप्तचर हो या कोई ऑफिशियल हो जा सकता है राजा के पास, हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, राजा सो रहा हो, राजा खाना खा रहा हो, हाँ राजा गार्डन में हो, राजा शिकार कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका आदेश था कि भाई आपको आके कहना है, क्योंकि प्रजा की भलाई क्या है, हाँ सबसे ऊपर है, इसलिए उस इंफॉर्मेशन को आप छुपाए मत, आप तुरंत इंफॉर्मेशन राजा के पास पहुंचाए ताकि वो तत्काल प्रभाव से जो है कोई फैसला ले सके, ठीक है। लेकिन यहां पे गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, हो सकता है होगी थोड़ी बहुत, हाँ लेकिन इस तरह का स्ट्रॉन्ग एस्पियोनेज सिस्टम यहां पर गुप्त डायनेस्टी में आपको दिखाई नहीं देता। अब देखिए एक बात और है, आइडेंटिटी मौर्यंस की इनके आर्किटेक्चर की वजह से है, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था आपको रेगुलर क्लासेस मौर्यंस का, जब मैंने लिया था आर्किटेक्चर में आपको कला भी आएगा आर्ट भी आएगा। अब यहां पर आपको यहां पर देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, पिलर मिलेंगे, ठीक है पिलर मिलेगा, यानी रॉक मिलेंगे, ठीक है रॉक के बाद आपको केव्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको स्तूपाज मिलेंगे। यहां पर देखिए यहां पर आपको मौर्यंस के समय एक तो स्थापत्य बहुत अच्छा स्थापत्य, बहुत उच्च कोटि का स्थापत्य आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पे पिलर में स्थापत्य मिलेगा आपको, आर्किटेक्चर मिलेगा, हाँ रॉक एडिक्ट इनका होता था, पिलर एडिक्ट रॉक एडिक्ट सब हम पढ़ चुके हैं, एडिक्ट मतलब अभिलेख, पिलरों पर लिखवाना शुरू किया अशोक ने, ईरानी प्रभाव इस पर होता था, सबसे पहले ईरान के प्रभाव से अशोक ने, पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेख लिखवाना शुरू किया पत्थरों पे पिलरों पे, हाँ और ये प्रभाव किसका था, ईरान का प्रभाव था, कहा जाता है कि ईरान से इंस्पायर्ड होकर ही उसने ऐसा शुरू किया था। तो आप देखेंगे तमाम तरह के पिलरों पे लिखा हुआ मिलेगा आपको उसका अभिलेख, हाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो ये हमने पढ़ा भी है, उसके रॉक एडिक्ट्स पढ़े हैं, उसके पिलर एडिक्ट्स पढ़े हैं अशोक के, हाँ लौरिया अरेराज दिल्ली टोपड़ा, हाँ इलाहाबाद एडिक्ट, हाँ वो सब चीज कौशाम्बी एडिक्ट है, तो अलग अलग से सांची भरहु का पिलर है, हाँ वो हमने देखा उसके
जब हम पढ़ रहे थे स्तंभ लेखों में, तो वो सब चीज हमने देखा है कि पिलर पे, रॉक पे, केव्स पे आपको मैटर लिखे हुए मिलेंगे। तो एक चीज और है कि यहां पे जो मैटर आपको लिखे हुए मिलेंगे, ज्यादातर रिटर्न मटेरियल जो होगा वो रिटर्न मटेरियल मिलेगा किस पे, पिलरों पे, गुफाओं पे, गुफाओं की दीवारों पे, और पिलर मतलब स्तंभ, स्तंभों पे, रॉक्स पे, चट्टानों पे, ठीक है। और यहां पे आपको स्तूप भी मिलेंगे, क्योंकि स्तूप जो है वो अशोक तो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, तो आप यहाँ स्तूपों का निर्माण भी हुआ। स्तूप क्या होता है देखिए, मैं बार बार बताता हूं, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर स्तूप होता है, इस तरह का होगा, एक राउंड बेस होगा और उसके ऊपर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा डोम लाइक, और नीचे जो होंगे महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष, रिमेन्स, अस्थियां हो या फिर या उनके कपड़े हो या कुछ और हो, उस तरह की चीजें रख के उसके ऊपर इनका निर्माण कर दिया जाता है। तो ये स्तूप तो आपको पिलर देखने के लिए, रॉक देखने के लिए, केव और स्तूप देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर इनकी पहचान है और यही आर्ट भी है, कला भी यहाँ पे आपको दिखेगा। इसकी आइडेंटिटी जो है साइंस एंड लिटरेचर में मिलेगा। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको रिटर्न मटेरियल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर रिटर्न मटेरियल आपको स्तंभों पे मिलेंगे, चट्टानों पे मिलेंगे, गुफाओं पे मिलेंगे रिटर्न। लेकिन अब यहाँ बुक फॉर्मेट में आपको लिटरेचर बहुत डेवलप हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी इसकी वजह से है गुप्ता पीरियड की। देखिए लिटरेचर में आपको कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, तमाम तरह की रचनाएं थी, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का, ठीक है, तो वो सब देखेंगे लिटरेचर में। यही वो समय है जब महाभारत और रामायण का अंतिम रूप से कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो लिटरेचर के मामले में बड़ा ये कहते हैं कि फ्लॉरिश किया, गुप्ता पीरियड में लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुआ। इवन आपको देखिए कि साइंस में साइंस बहुत ज्यादा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बहुत डेवलप था उस समय के। जो आप देखेंगे धन्वंतरी आयुर्वेद के विद्वान थे, वो नवरत्नों में से थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, इसी तरह कालिदास नवरत्नों में से थे, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे धन्वंतरी के अलावा आपको वाराणसी जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, वृहद संहिता उन्होंने लिखी थी तो वो भी एस्ट्रोनॉमर थे। नागार्जुन जो उस समय थे वो केमिस्ट्री, रसायन और मेटल साइंस के वो स्कॉलर थे। तो इस तरह से तमाम बहुत सारे स्कॉलर मिलेंगे साइंस है, साइंस के भी और जनरल भी। आपको अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा वो भी नवरत्नों में से एक थे। कालिदास, अमर सिंह जिनका था अमरकोश उन्होंने लिखा, और वो शब्द कोषागार थे, लेक्सिकोग्राफर थे, ठीक है ना। छपणक जो कि रत्नों, ज्योतिष से रत्नों के वो कहते हैं कि रत्नों से रिलेटेड वो चीजों को देखते थे, ठीक है, उसके मास्टर, रत्न मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी, छपणक थे, वो भी नवरत्नों में थे, ठीक है। बेताल भट्ट जादूगर वो भी नवरत्नों में थे, नवरत्नों में बहुत लोग थे। यहां पर आपको अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तो मैंने कहा कि आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, ठीक है ना, वाराणसी एस्ट्रोनॉमर, सब साइंस से रिलेटेड है। इवन आप पिलर की बात जहां पे है, मेहरौली पिलर जो दिल्ली में है, मेहरौली आयरन पिलर, उसपे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, उसपे कुछ चीजें लिखी गई हैं। मैंने ये कहा कि यहां पर देखिए रिटर्न मटेरियल स्तंभों पे मिलेगा, रॉक पे मिलेगा, केव्स पे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे मेहरौली पिलर है उसके लिए देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था, किस तकनीक से उसको बनाया गया था कि वहां का उस पिलर का जो आयरन है, लोहा है, उस पर आज भी रस्ट नहीं है, यानी कि जंग नहीं लगा है। तो ये उस समय की टेक्नोलॉजी की बात थी, किस तरह से बनाया गया। तो उस समय देखिए तो साइंस एंड लिटरेचर का इनके समय अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब आर्ट में जैसे यहाँ आर्किटेक्चर है तो यहाँ अजंता पेंटिंग्स मिलेगा आपको। ऐसा नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि आर्किटेक्चर है, यहाँ पिलर है, रॉक है, केव है, तो ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होगा, कम मिले। यहाँ आर्किटेक्चर के नाम पे कुछ इनका आर्किटेक्चर बहुत पुअर है, एक दो टेंपल्स जरूर बने, ठीक है, लेकिन इतना रिच नहीं है जितना रिच ये है, ठीक है। तो ये समझना है। अब देखिए यहां पर हम अंतिम दौर में आ गए। यहां पर क्या है कि सक्सेसर जो थे मौर्यों के, सक्सेसर जो थे नेटिव्स और फॉरेनर्स दोनों थे, ठीक है। नेटिव्स फॉरेनर्स का मतलब देखिए मौर्यों के पतन के बाद दो तरह के सक्सेसर आए मौर्यों के, मैंने क्या बताया था, दो तरह के सक्सेसर कौन कौन से थे भाई। तो एक सक्सेसर देखिए ये, एक यहां पे कुछ सक्सेसर आ गए,
पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक प्रियदत्त की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की शुरुआत यहां पे करेगा। ठीक है, मौर्यों के पतन के बाद ये देशी थे, यहीं पे कण्व आ जाएंगे, इन्हीं को हरा के कण्व आ जाएंगे, यहीं पे सब ब्राह्मण हैं। और यहां पे साउथ इंडिया में सातवाहन आएंगे कण्वों को हरा के, लेकिन इनका साउथ इंडिया में डोमिनेंस रहेगा। तो ये नेटिव हो गए, कौन नेटिव सक्सेसर यानी कि देशी उत्तराधिकारी कौन कौन से हो गए, शुंग डायनेस्टी वाले शुंग कण्व और फिर सातवाहन, ये देशी उत्तराधिकारी आ गए। लेकिन कुछ विदेशी भी आएंगे इधर से नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशिया से, इंडो ग्रीक आएंगे बैक्ट्रिया के, मैंने बताया था कि बैक्ट्रिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट, अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया है। देखिए ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ होता है क्या, ईरान, तो ईरान और अफगानिस्तान का के ऊपर जो है ना ये सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है ये मैंने, तो यहां से आते हैं इंडो ग्रीक, इधर से बैक्ट्रिया के हिंदी हम कहते थे उनको, उसके बाद शक आएंगे सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया से, फिर सीथियंस आएंगे, सीथियंस जो कौन थे भाई, नॉर्दर्न ईरान में जो लोग रहते थे उनको सीथियंस कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद पहले शकों को सीथियंस कहा जाता था। ठीक है, पहले इंडो ग्रीक आएंगे, उसके बाद शक आएंगे यानी कि सीथियंस आएंगे, उसके बाद ये नॉर्दर्न ईरान में रहने वाले लोगों को पर्थियंस कहा जाता है, उसके बाद पर्थियन आएंगे। ठीक है, और लास्ट में कुशान आएंगे, यानी नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, हाँ बैक्ट्रिया के, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया, उसके बाद सीथियंस यानी शक आएंगे, उसके बाद पर्थियंस आएंगे, और पर्थियंस के बाद उनको पहलो कहते थे, पहलो पर्थियंस को पहलो कहते हैं हिंदी में, और उसके बाद लास्ट में कुशान आएंगे, जिस इसी डायनेस्टी का एक महान शासक हुआ कौन, कनिष्क। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, लेकिन ये तो इस तरह से आप नेटिव और फॉरेन सक्सेसर्स को देखेंगे, आप मौर्यों के पतन के बाद नेटिव और फॉरेनर्स, यानी कि नेटिव्स में कौन कौन हो गए, नेटिव्स में हो गए शुंग सबसे पहले, यहां पर शुंग, फिर यहीं पे कण्व, और फिर साउथ में सातवाहन, और इधर से जो फॉरेनर सक्सेसर आएंगे वो होंगे इंडो ग्रीक, और उसके बाद सीथियंस यानी शक, उसके बाद पर्थियंस यानी पहलो, और उसके बाद लास्ट में कुशान। तो इस तरह से देशी और विदेशी शासक आ जाते हैं मौर्यों के पतन के बाद, और फिर वहीं से पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू हो जाता है, और पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आता है ये गुप्त। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें सक्सेसर तो केवल नेटिव सक्सेसर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, हम आगे जब हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तब तो देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, यहां पे हरियाणा के पास आपको पुष्यभूति डायनेस्टी मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे मैत्रक मिलेंगे, ठीक है ना, कन्नौज में आ जाएंगे ये मौखरी, मौखरी कन्नौज, कन्नौज में आ जाएंगे, ठीक है ना, मौखरी आ जाएंगे, यहां पे बंगाल में गौड़ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहां पे जो भी होंगे ना देशी उत्तराधिकारी होंगे, यहां पर गुप्तों के जो उत्तराधिकारी होंगे, जो सक्सेसर होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन से उत्तराधिकारी मैप में, वहां भी देखेंगे। तो यहां पर नेटिव है, देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पे नेटिव सक्सेसर भी है और फॉरेनर्स भी हैं, लेकिन यहां पे इनके सक्सेसर जो होंगे वो सिर्फ नेटिव होंगे यानी देशी होंगे। उसके बाद देखिए रेगुलर कॉइन्स यहां नहीं था, रेगुलर सिक्के नहीं थे, हां कुछ सिक्के थे यहां पर, लेकिन कहते थे पंचमांक कॉइन, आहत सिक्के या कुछ और तरह के सिक्के थे, लेकिन वो नियमित सिक्के मौर्यंस के टाइम में भी नहीं थे। ठीक है, नियमित आहत सिक्के क्या होते हैं, पंचमांक कॉइन, आहत कहते हैं उनको, पीट पीट के बनाया जाता था, और कोई भी शेप, अनियमित शेप भी होगा, कोई जो नहीं कि राउंड हो, चौकोर हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, आपको राउंड भी हो सकता है, तो उस तरह कोई नियमित सिक्का नहीं था राजाओं के द्वारा जारी किया गया। हाँ सिक्के तो कई तरह के थे, लेकिन यहां आप देखेंगे नियमित सिक्के हैं, रेगुलर कॉइन्स हैं, और कई तरह के कॉइन्स। मैं आपको बताऊं कि जहां तक कॉइन्स की बात है, कॉइन्स की बात है, तो सबसे पहले देखिए कॉइन्स जो रेगुलर कॉइन्स लेके आए भारत में वो इंडो ग्रीक गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे। गोल्ड कॉइन्स की बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अधिकतर गोल्ड कॉइन्स की यहीं पे मिलेगी आपको गुप्ता पीरियड में, सबसे ज्यादा इन्होंने इशू किए। सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले शासक कौन थे, तो गुप्त शासक थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब इंडो ग्रीक आए थे ये मौर्यों के बाद, तो इंडो ग्रीक सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किया इन्होंने, तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन फर्स्ट
टू इशू गोल्ड कॉइन्स, हाँ फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स, रूलर्स इंडो ग्रीक, कोई खास शासक नहीं, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। लेकिन कुषाण शासकों में विम कटफेसिस ने नियमित सिक्के चलाए सोने के, गोल्ड के, ठीक है। उसके बाद जब विम कटफेसिस का बेटा, उनका पुत्र कौन आता है, कनिष्क, तो कनिष्क ने भारतीय शैली में, वो प्रथम शासक था जिसने कि सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। बाद में आप देखेंगे गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इशू किए, और स्कंदगुप्त के समय सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी हुए अशुद्ध। स्कंदगुप्त के बारे में मैंने सारा करवाया हुआ है, स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक था, अंतिम कह सकते हैं, अंतिम मेन गुप्ताज में, ठीक है, लेटर गुप्ताज में नहीं, अंतिम मेन कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त, हाँ, तो उसने सबसे, उसके ड्यूरेशन में, उसके टाइम पीरियड में, हाँ, सबसे ज्यादा अशुद्ध इम्प्योर सोने के सिक्के जो है वो इशू किए गए, गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए, मिलावटी हो गए थे, पीतल तांबा ये सब उसमें मिलाया जाने लगा था, प्योर नहीं था, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाए कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने जारी किए। उसके अलावा हर शासक के नाम पे कुछ सिक्के हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं। आप देखेंगे जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त, फर्स्ट वास्तविक फाउंडर, वैसे फाउंडर तो श्रीगुप्त थे, तो उन्होंने भी सिक्के इशू किए, ठीक है। आगे देखेंगे तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के इशू किए थे, हाँ 6 प्रकार के, 6 टाइप्स ऑफ टाइगर स्टाइल में, गरुड़धारी, ठीक है, हाँ वीणा प्रकार के, जिसके वो ल्यूट बजाते हुए वीणा बजाते हुए हैं, ठीक है, बाघ को मारते हुए टाइगर स्टाइल के सिक्के थे, ठीक है। तो इस तरह से परशु प्रकार के सिक्के, तो 6 प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए, कि समुद्रगुप्त ने, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे, ठीक है, उन्होंने भी कुछ सिक्के जारी किए, हाँ। आगे देखेंगे तो कुमारगुप्त ने, पहले शासक जिन्होंने मयूर शैली में, मयूर स्टाइल में कॉइन्स जारी किया, मयूर प्रकार के और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कहे जाते हैं, मयूर टाइप ऑफ कॉइन्स एंड कार्तिकेय टाइप ऑफ कॉइन्स, वो गोल्ड नहीं थे, हर मयूर सिल्वर थे, ये नहीं कि खाली गोल्ड, मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इश्यू करने वाले थे, लेकिन जो मयूर स्टाइल है या तो उसमें गोल्ड भी है सिल्वर भी है सब है, ऐसा नहीं है, हाँ। तो मयूर प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए कुमारगुप्त ने, या उनको कुमारगुप्त प्रथम कहे, मयूर प्रकार के सिक्के, कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, ठीक है। आगे जब स्कंदगुप्त को देखेंगे तो स्कंदगुप्त ने, अब आ जाता है सवाल, वृषभ प्रकार के सिक्के, हाँ बुल टाइप ऑफ कॉइन्स, कॉइन पे बुल है, सांड है, तो इसका मतलब यह है, मैंने एक चीज और बताया था कि देखिए, मैंने कहा था कि हिंदू धर्म को लोग यहां फॉलो कर रहा है, तो इसकी आस्था कहां जताई जा रही है, वृषभ प्रकार के, कहते हैं कि वैष्णव को मान रहे हैं, और वृषभ प्रकार के सिक्कों का मतलब शिव में विश्वास है, नंदी, बुल का मतलब नंदी, नंदी देवता है ना, होते हैं ना शिव जी के साथ नंदी होते हैं, नंदी बैल, तो बुल टाइप ऑफ जो कॉइन्स है, तो वहां पर शिव की बात कही जा रही है, स्कंदगुप्त जो है, ठीक है। तो हालांकि ज्यादातर लोग वैष्णव को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर शैव धर्म में भी आस्था वो जता रहे, ओवरऑल हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादातर वैष्णविज्म को मानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो शैव धर्म के प्रति भी उदासीन नहीं है, इवन बुद्धिज्म के प्रति उदासीन नहीं है, सबको कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए आपको इनटॉलरेंस नहीं दिखेगा ना मौर्यंस में ना गुप्ताज में रिलीजन को लेके, हर तरह के लोग सुखी है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद यह हो गया, सारा हो गया ना, रेगुलर कॉइन्स, सॉरी ये यहां रेगुलर कॉइन्स नहीं है, रेगुलर कॉइन्स है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, और जो सिक्के जारी किए मैंने बताया कि समुद्रगुप्त ने ये किए, कुमारगुप्त ने मयूर स्टाइल में, कार्तिकेय स्टाइल में, स्कंदगुप्त ने बुल स्टाइल में, लेकिन ये मत समझिएगा कि सारे सोने के ही, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए, लेकिन सारे सिक्के उनके, जो मैंने बताया कि 6 प्रकार के सिक्के जो है वो समुद्रगुप्त ने जारी किए, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सोने के ही है, ओवरऑल सबसे ज्यादा इन्होंने इशू किए, उन सिक्कों में सिल्वर भी है आपको, गोल्ड भी है, ये हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल क्लासेस में, ठीक है। तो यहां पर हमने एक ओवरऑल हमने व्यू ले लिया किसका, डिफरेंस का। एक बार जल्दी से यहां पर देखिए, ये टाइम पीरियड का अंतर, एक्सपेंशन यहां पे देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है आपको, हाँ वास्ट एम्पायर है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, लेकिन कंपेरेटिवली स्मॉलर है, दिख भी रहा है आपको। यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया था सैलरी, यहां पे कैश है, टैक्स सिस्टम स्ट्रिक्ट है, यहां पे सैलरी लैंड में दिया जा रहा है,
कैश बहुत कम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा रहा है, दिया बहुत कम दिया जा रहा है, ठीक है। और टैक्स भी यहां, टैक्स सिस्टम भी यहां पर लिबरल है, हाँ। और यहां पर प्रमुखता से मैंने बता दिया था कि टाइटल और कॉइन्स पे ध्यान दीजिएगा, ये खूबी है गुप्ता डायनेस्टी की कि यहां टाइटल की प्रमुखता मिलेगी, अधिकता मिलेगी, और कॉइन्स की, ठीक है, कॉइन्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, गोल्ड तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन हर तरह के कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्होंने इशू किए गोल्ड कॉइन्स, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू करने वाले हैं गुप्ता शासक, गुप्ता रूलर। उसके बाद हाईली सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, हाँ, फ्यूडल सिस्टम है, सामंतिक प्रथा है, यहां पे नहीं है, देखिए क्रॉस, यहां पे फ्यूडल सिस्टम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पे ध्यान दीजिए, क्रॉस का मतलब नहीं है और इसका मतलब है, ठीक है, सामंतिक। नॉन हिंदू रिलीजन है, जैन, आजीवक, बुद्धिज्म, इन लोगों, इन सब धर्मों को लोग फॉलो कर रहे हैं, और भी धर्म है डोमिनेंस इनका, इसी तरह से यहां पर हिंदुइज्म में वैष्णव शैव, हाँ, ये लोग हैं यहां पर, लेकिन और भी धर्मों के प्रति लोगों की आस्था है और एनकरेजमेंट है, ऐसा नहीं है, हाँ, संरक्षण जरूर नहीं है, जितना हिंदू धर्म को और वैष्णव धर्म को संरक्षण है उतना नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही मूर्ति में दिखाई देंगे। एक बात और है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब है यहां मेनी गॉड टू वन गॉड की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी विचारधारा, आपका रिलीजन शिफ्ट कर रहे हैं, हम जहां बहुदेववाद की तरफ से एकेश्वरवाद, क्योंकि इन तीनों को मिला दिया गया है एक ही मूर्ति में, ब्रह्मा विष्णु महेश, एकेश्वरवाद की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, हरिहर की मृत्यु बनी मूर्ति बनी, अर्धनारीश्वर जिसमें शिव और पार्वती की ज्वाइंट मूर्ति बनी थी, इमेज बनी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल के बारे में बात कर दी थी, अशोक डियर टू गॉड, और यहाँ पर ये लोग परम भागवत परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ ये देवताओं का प्यारा कह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को आपको इक्वल टू द गॉड रख रहे हैं। उपाधियों की प्रमुखता है यहाँ पे मैंने रखी दिया, दंड विधान कठोर है, अंग भंग मृत्यु दंड सब कुछ दिया जाता है, यहाँ लिबरल है, मृत्यु दंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एलिफेंट आर्मी जो है यहाँ पर, गज सेना जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ राजा की अपनी सेना है, यहाँ राजा की अपनी सेना नहीं है। हाँ, जब लड़ाई का मौका आता है तो उसके जो सामंत होते हैं, फ्यूडेटरीज होते हैं, वो सेना प्रोवाइड करते हैं। सैलरी यहाँ पे ज्यादातर लैंड में है, लैंड में है, कैश में यहाँ पे है, ठीक है। एसपीएनएस सिस्टम यहाँ, इसके बाद यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा है, 18 तीर्थ और 27 सुपरिंटेंडेंट्स है, बहुत बड़ा अंपायर है, बहुत ज्यादा इसको बड़े पैमाने पर संभालना है, तो बहुत ह्यूज ब्यूरोक्रेसी है इनकी, ठीक है। इसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। एसपीओनेज जो है संस्था और संचरा है, संस्था क्या है, तो संस्था एक ही जगह पे काम करने वाली है, ये जो संस्था के जासूस हैं, गुप्तचर हैं, एक ही जगह पर स्टेशनरी होकर काम करते हैं, इनका स्थान चेंज नहीं होता है, जबकि संचरा या संचरण में जो काम करते हैं जो गुप्तचर, वो मोबाइल है, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डू देयर ड्यूटी, तो ठीक है ये है। लेकिन यहां पर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कोई खास यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती। आइडेंटिटी इसका आर्किटेक्चर की वजह से, यही आर्ट एंड कल्चर भी इनका है, आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो स्थापत्य या आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। मॉरियंस में पिलर है, रॉक है, केव है, स्तूपाज है, बता चुका क्या है सब कुछ, डिटेल हम पढ़ चुके यहाँ पे। इसकी आइडेंटिटी साइंस एंड लिटरेचर की वजह से हो रही है, ठीक है। अब सक्सेसर इनके फॉरेनर्स भी हैं और नेटिव्स भी हैं, देशी ताकतें भी हैं और विदेशी ताकतें भी हैं। देशी ताकतों में सुंग, फिर यहीं पे कर्ण और इधर सातवाहन। विदेशी ताकतों में इंडो ग्रीक, फिर सीथियंस यानी शक, फिर पर्थियंस यानी पल पहला और फिर कुषाण, ठीक है। इसके सक्सेसर सिर्फ देशी हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी थानेश्वर हरियाणा में आता है, हाँ, कन्नौज में मोखरी वंश आता है, यहाँ पे मैत्रक आते हैं, धीरे धीरे जब टूटे गए डाउनफॉल होगा। आगे हम गुप्ता को पढ़ चुके हैं, डाउनफॉल तो पढ़ ही चुके हैं, तो आगे जब हर्षवर्धन को देखेंगे तो कौन कौन सी मुख्य डायनेस्टीज यहाँ पे टूटती है और बनती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और क्वाइंस के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि यहाँ रेगुलर क्वाइंस नहीं है, जबकि यहाँ रेगुलर क्वाइंस है, नियमित जो है सिक्के हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के गुप्तों ने इशू किए, स्कंद गुप्त के समय सबसे ज्यादा गोल्ड के अशुद्ध सिक्के जारी किए गए, ये ध्यान रखिएगा। सब सारे शासकों ने तमाम तरह के सिक्के जारी किए, लेकिन उसमें यह नहीं है कि सारे गोल्ड के थे, उसमें सिल्वर भी है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप समझिएगा सारे ही गोल्ड, हाँ सारे गोल्ड नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा एंशियंट इंडिया में अगर किसी एम्पायर की तरफ से, किसी साम्राज्य की तरफ से, किसी डायनेस्टी की तरफ से गोल्ड कॉइंस इश्यू हुए थे तो वो गुप्तों के समय हुए थे। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें।
So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.